नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे नए वीडियो के अंदर। आज हम आपको बताएंगे एक सब्जी का पौधा, जिसका नाम कि बैंगन का पौधा है ये, और इस पौधे को कब और कैसे ग्रो करना है और कितने साइज़ के पॉट के अंदर इसको ग्रो करना है अपने टेरेस गार्डन के अंदर, और इससे कौन सी उपाय करके या कौन सी खाद डाल के इसके अंदर इससे ज़्यादा फ्रूटिंग ली जा सकती है। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा जो बैंगन का प्लांट है, जो कि हमने एक ये जो हमारा टब है, टब के अंदर हमने लगा रखा है, और इसके अंदर काफ़ी संख्या के अंदर फ्लावरिंग हो रही है फ्रूटिंग के लिए। यह प्लांट जो हमारा तकरीबन 2 साल पुराना प्लांट है, इसको हमने रिपोर्ट भी करा था और इसकी हम समय समय पर गुडाई करते रहते हैं। ये हमने 2 साल पहले बरसात के सीज़न के अंदर इस प्लांट को लगाया था, और इस प्लांट ने दोनों सीज़न के अंदर, गर्मियों के सीज़न में और सर्दियों के सीज़न में, भरपूर मात्रा के अंदर हमें बैंगन दिए थे। तो इस प्लांट की केयर के लिए टिप्स है, जैसे कि अब गर्मियों का सीज़न शुरू है, उससे पहले हमने सर्दियां जाते ही इस प्लांट की जो लीव्स की प्रूनिंग करनी, कटिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। आपने हमारा एक पुराना वीडियो देखा होगा, उसके अंदर हमने इसकी कटिंग करी थी। कटिंग करने के बाद इसकी मिट्टी की गुडाई करी थी और इसमें एक फर्टिलाइज़र का प्रयोग करा था। तो दोस्तों, अब जिस तरह की गर्मियों का सीज़न है, अब इसने इस समय पे 2 महीने पहले हमने इसकी, जैसे आपको बता रहा हूँ, कटिंग करी थी, तो 2 महीने के बाद अब ये फ्रूटिंग करनी शुरू कर गया है। इसके अंदर हम समय समय अनुसार फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं। फर्टिलाइज़र जब भी हम डालते हैं, उससे पहले हम इसकी 1 से 1.5 इंच गुडाई करते हैं, फिर इसके अंदर हम फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं। आपने अपने टेरेस के ऊपर जब भी बैंगन का प्लांट लगाना है, या तो इस साइज़ का, जैसे कि आप ये आपको दिखाएंगे, इस साइज़ का आपने टब लेना है, जो कि तकरीबन 12 इंच गहरा होना चाहिए। गहरा इसलिए होना चाहिए कि इसकी जड़ों को मजबूती मिलेगी, जितनी इसकी जड़ें फैलेंगी तो उतना ही अच्छा आपको ये फ्रूटिंग करेगा। इस जो टब के अंदर हमने जो बैंगन के प्लांट है, आपको देखने में लग रहा होगा कि काफ़ी सारे लगे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर हमने मात्र 4 ही बैंगन के प्लांट लगा रखे हैं और इसमें अनगिनत संख्या के अंदर फ्लावरिंग हो रही है। तो आपको दिखाते हैं थोड़ा क्लोजअप से अपना बैंगन का प्लांट। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कितनी संख्या के अंदर इसके अंदर बैंगन के प्लांट आ रहे हैं। एक प्लांट हमने बैंगन के अंदर जो फ्लावरिंग हो रही है फ्रूटिंग के लिए, और जो एक बैंगन का प्लांट है हमने वो दूसरे अपने पॉट के अंदर लगा रखा है। ये देखिए, इसके अंदर भी फ्रूटिंग होनी शुरू हो चुकी है। आपको दिखाते हैं, ये देख पा रहे होंगे, जैसे आप, इसके अंदर फ्रूटिंग हो रही है। इसके अंदर भी हमने उसी चीज़ का प्रयोग करा था कि इसकी जो सीज़न शुरू होने से पहले हमने कटिंग कर दी थी और इसकी जो मिट्टी की गुडाई करके हमने छोड़ दिया था, और इसके अंदर हमने वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र का प्रयोग करा था। आज हम आपको बताएंगे कि बैंगन के प्लांट से काफ़ी संख्या के अंदर बैंगन लेने के लिए आपने कौन सी फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना है। बैंगन के प्लांट को पानी बहुत ज़्यादा पसंद होता है, आपने समय समय अनुसार इसके अंदर वाटरिंग करती रहनी है। इसके गर्मियों के अंदर आपने बैंगन के जो पौधे हैं, इसके ऊपर पानी का छिड़काव जरूर करना है। पानी का छिड़काव करने से इसके जो प्लांट हैं, पत्तियां हैं, हरी भरी रहेंगी। बैंगन के प्लांट के ऊपर कीट का बहुत ही जल्दी अटैक होता है, उसके लिए आप इसके अंदर जो है नीम खली का प्रयोग कर सकते हैं, मिट्टी के अंदर इसकी जड़ों के अंदर मिक्स कर सकते हैं, या ही आप मार्केट से जो कीटनाशक दवाई आती है, जो कि मार्केट के अंदर उपलब्ध होती है, उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करके आपने इसके ऊपर 15-15 दिन के बाद स्प्रे करता रहना है। और जैसे जैसे आप इस पर स्प्रे करते रहेंगे, तो आपका जो प्लांट है कीट पतंगों से मुक्त रहेगा। आपने इसके अंदर जो प्लांट के अंदर कभी कभी आप इसके ऊपर NPK का भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे फ्रूटिंग अच्छी होगी। आपने ज़्यादा फ्रूट लेने के लिए कभी कभी दोस्तों इसके अंदर, गर्मियों के अंदर तो नहीं, सर्दियों के सीज़न के अंदर 2-4 दाने, जैसे आपका प्लांट है, इसकी जड़ से दूर रखकर आपने पाने हैं, तो फिर आप देखिए इसके अंदर
कैसे काफ़ी संख्या के अंदर फ्रूटिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर आज हम एक ऐसी फर्टिलाइज़र का प्रयोग करेंगे जिससे इसके जो फूल हैं, फूल तो काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और फूल के बाद ये फल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो काफ़ी संख्या के अंदर इसके अंदर जो फ्रूटिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो आपने भी इसी फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना है। आपको दिखाते हैं एक ऐसी जादुई फर्टिलाइज़र जो इजीली मार्केट से अवेलेबल हो जाएगी, जिसको डालने से जो बैंगन के पौधे के अंदर आपका बैंगन का पौधा है जो कि बहुत जल्दी बैंगन प्रदान करने लग जाएगा। आप इसके अंदर कीट पतंगों को दूर रखने के लिए ऑर्गेनिक जो होती है मेडिसिन, उसका ही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप इसके अंदर एलम जो होती है, जो घर के अंदर अवेलेबल रहती है तकरीबन, दोस्तों आपने इसके अंदर घर के अंदर इजीली एलम अवेलेबल होती है जिसको हम रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं। एलम जिसको हम फिटकरी कहते हैं, फिटकरी को पानी के अंदर घोल के इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा स्प्रे करना है, या हल्दी के पानी को इसके ऊपर स्प्रे करना है, या इसके अलावा आप इसके अंदर जो है इसके अंदर जो आप नीम का जो तेल होता है उसको भी छिड़काव कर सकते हैं पानी में डालकर। तो आपको बताते हैं कौन सी आपने जो खाद डालनी है, ऐसी करिश्माई खाद जो आपके बैंगन के प्लांट को पूरे फूलों से और फल से लाद देगी। तो ये हमारी जो फर्टिलाइज़र है आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारी फर्टिलाइज़र है ये पोटाश है। पोटाश के दाने या पोटाश बहुत ज़्यादा पसंद आती है बैंगन के पौधे को। इसके अंदर आपने थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर पोटाश के जो दाने हैं वो इसको मिट्टी के अंदर डाल देने हैं, और कुछ समय के बाद आपको इससे काफ़ी अच्छी संख्या के अंदर फ्रूटिंग प्राप्त होगी। तो अब हम इसको डालना शुरू करते हैं अपने जो बैंगन के प्लांट के अंदर। ये देखिए, हमने इस तरीके से डालने हैं, ये हमने कुछ ऐसे इसके अंदर हमने छिड़क देने हैं। और एक ये हमारा बैंगन का प्लांट है, इसके अंदर भी हम इसको जो है दानों को छिड़क देंगे। और हमारे गार्डन के अंदर ये टमाटर का प्लांट भी लग रहा है, तो आप फ्रूट के प्लांट के अंदर या वेजिटेबल के प्लांट के अंदर इसको आप दे सकते हैं। ये जैसे कि हमने अपने टमाटर के प्लांट्स के अंदर भी दे दी है, और कुछ समय के बाद आप देखेंगे इसके अंदर काफ़ी संख्या के अंदर जो कि फ्लावरिंग होनी और फ्रूटिंग होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आपको कीट के लिए, जैसे बैंगन के प्लांट के अंदर कीट की प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए आप इसके अंदर एक देसी नुस्खा भी अपना सकते हैं। जैसे कि जो वुड की ऐश होती है, जिसको लकड़ की राख कहते हैं, या गोबर का उपला होता है गाय का या भैंस का, उसको जलाते हैं, ईंधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं घरों के अंदर कई जगह पर, तो उसकी राख को भी आप इसके ऊपर बैंगन के पौधे के ऊपर छिड़क सकते हैं, जिससे इसके ऊपर कीट का जो है अटैक नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय दोस्तों।